हाय दोस्तों तो रिसेंटली मेरे जितने फोटो शूट्स ये फैशन शूट्स अभी मैंने किए हैं बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर ये इफेक्ट्स और ये लाइटिंग जो आप कर रहे हैं कैसे पॉसिबल हो रहा है सो so, आज मैं आपको अपनी फेवरेट लाइट जो कि मैं अभी बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ मैन लाइट की जो प्रोजेक्शन लाइट है इसके बारे में इन डिटेल बात कर रहा हूं हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं प्रवीण भट्ट एम अम सेलिब्रिटी फैशन एंड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली तो दोस्तों बहुत सारे मेरे नए शूट्स जितने भी आपने इमेजेस अभी देखी हैं या मेरे बीटीएस वीडियोस देखे हैं आपने उसके अंदर एक लाइट जो है डिफरेंट सी जरूर देखी होगी और बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम फैमिली से मेरे यूट्यूब फैमिली से आप लोगों ने आ, सवाल किए डीएम किए मुझसे पूछने की कोशिश की कि सर ये है क्या सो so, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन डिटेल ये जो मेरी नई लाइट है ये है नैन लाइट की प्रोजेक्शन

आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिवली अपनी लाइट को शेप्स दे सकते हैं उन शेप्स के साथ कुछ डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो आप प्लान आउट कर सकते हैं और शूट कर सकते हैं सो so, ये जो पूरी लाइट है अभी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ये पूरी की पूरी जो है ये लाइट नहीं है लाइट जो है हम लोग यूज कर रहे हैं इस पे नैन लाइट की 460 एंड ये इतनी लाइट वेट लाइट है कि मतलब आप क्या ही मतलब आप पकड़ेंगे आपको अरे यार इतनी छोटी और इतनी पावरफुल लाइट मतलब जब आप यूज करेंगे आपको पता चलेगा एंड इस लाइट की प्राइसिंग के लिए डिटेल्स के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना तो ये लाइट है जो हम लोग यूज कर रहे हैं अपने फोटोशूट्स पे और जो इसका प्रोजेक्शन माउंट है वो है ये नैन लाइट का पी जे तो ये प्रोजेक्शन माउंट है जो आपकी लाइट के आगे लग जाता है आप इसको आराम से क्लिप कर सकते हैं और इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं मजे की बात यह है कि पहले मुझे कभी लगता नहीं था कि मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत पड़ेगी जो मैं अपने फोटो शूट्स करता था फैशन शूट करता था मेरी रेगुलर स्टूडियो स्ट्रो अब जो लाइट्स होती थी और मुझे लगता था यार ये लाइट्स वगैरह ऐड ऑन करके मैं क्या करूँगा लेकिन जब से मैंने ये लाइट्स यूज करनी शुरू की है मतलब अब अब कोई शूट ऐसा नहीं है जो बिना इन लाइट्स के होता है मैं हमेशा चाहे मैं इंडोर हूँ चाहे मैं बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ तो ये लाइट्स हमेशा मेरे साथ जाते हैं बिकॉज कभी ना कभी आपको लगता है अरे मैं स्टूडियो में शूट कर रहा हूं प्लेन बैकग्राउंड है प्लेन वॉल है मैं उस पर क्रिएटिवली कुछ लाइट चेंज करना चाहता हूं थोड़ा उसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं तब आपको इस लाइट की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है अभी मैं आपको बताता हूँ जैसे लाइट हमने आगे लगा ली है इसको मैं अभी हम लोग ऑन करके आपको दिखाते हैं जब आप इसको ऑन करते हैं यू गो जैसे आप देख सकते हैं तो ये पूरा का पूरा जो एक लाइट से जो मॉडिफाई होकर आ रहा है ये प्रोजेक्शन जो होके आ रहा है ये आपको एक शेप देता है और उसके बाद इसके चारों तरफ ऊपर आप देखेंगे ये नीचे और लेफ्ट साइड में दो ये जगह ये आपके ब्लेड्स दिए हुए हैं जो लाइट को काटता है आराम से आप इसके साथ जो है शेप्स क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप पीछे देखेंगे गो आप छोटा लाइट बनाना चाहते हैं इसको लंबा करना चाहते हो अभी तो मैं मेरे अपने साथ यहाँ बिठाया हुआ है इसको मैं जितना दूर लेके जाऊँगा उतना ये स्ट्रिप जो है और बड़ा हो जाएगा और आप जितना भी मतलब सपोजिंग कुछ स्क्वायर बनाना चाहते हैं कुछ राउंड करना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप इसके साथ ईजीली अचीव कर सकते हैं मजे की बात क्या है कि जब आप इसको शूट पे पेपर पर पे, या बैकग्राउंड पे कहीं कैनवस पर भी इनफैक्ट यूज़ करो तो बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया इफेक्ट्स जो है बन के आते हैं सो दिस इज़ द यू नो वन ऑफ द शेप्स विच आई एम शोइंग और इसके साथ नीचे ये आप देखेंगे एक स्क्रू सा दिया हुआ है जिसको अगर हम खोलते हैं तो बहुत ही ईजिली आप लाइट को फोकस या डिफोकस कर सकते हैं आप देखेंगे सो so, इसको मैं सेंटर इस में लेता हूं देखें तो जैसा आप चाहेंगे कि आप चाहते हैं कि थोड़ा ब्लर रहे तो आप उसको फोकस आउट कर सकते हैं वरना एकदम इसके साथ जो आप शार्प फोकस भी अपने बैकग्राउंड पे दे सकते हैं इस लाइट के साथ जब आपको पीछे अगर आप देखेंगे दो बटन्स दिए हुए जिसके अंदर आप लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम बढ़ा सकते हैं सपोजिंगली अभी मैं इसको लेके जाता हूँ ज़ीरो पे एंड ये देखें आप ये आ गया फ़िफ्टीन परसेंट फिफ्टी और ये आ गया पूरा हंड्रेड परसेंट so, सो बहुत ही अच्छे बहुत ही क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं ऑल्सो इस लाइट के अंदर आपको मिलते हैं कुछ इफेक्ट्स जो कि नो uh, you know, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वीडियोज़ के लिए ये आपको इस फोर्स सिक्सटी में मिलती है सपोजिंगली मैं ये क्या इस पे एंड इसके पीछे जो है इसका पूरा नाम भी दिया हुआ है नाउ दिस इज अ फ्लैश इफेक्ट राइट हेयर एंड देन वी हैव स्टॉर्म यू नो सो जैसा पीछे इफेक्ट्स देख सकते हैं सो so ये लाइट अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है ये है टीवी वी इफेक्ट बैट बल्ब एंड यू नो सो ये ये इफेक्ट्स हैं जो आप आराम से यूज कर सकते हैं जब आप ये लाइट खरीदते हैं तो ये लाइट के साथ आपको मिलता है ये बहुत ही बढ़िया सा केस जो मैं बहुत बार जब ट्रेवल करता हूँ लाइट और जिसका प्रोजेक्टर माउंट है वो मैं साथ में ही डाल लेता हूँ एंड वेरी नाइस गुड क्वालिटी बैग एंड लाइट के साथ आपको कुछ अटैचमेंट मिलते हैं गोबोज मिलते हैं इनको बोलते हैं गोबोज ये मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली है कि इनको बाहर निकाल लेता हूँ एंड बैग जो है इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ साइड में तो लाइट के साथ ये आता है एक होल्डर जिसके अंदर आपको ये चार गोबोज जो हैं आप इजीली फिट कर सकते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे ये है एक थोड़ा एक ट्री वाला इफेक्ट है काफी मैंने यूज किया अपने फोटोशूट्स पे देन वी हैव दिस विंडो देन मुझे लगता है कुछ ये थ्री टाइप का कुछ क्या बोलते हैं सो पता हैं बट बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन है चार गोबो जो है आपके इस, इसके साथ मिलते हैं और ये इसका होल्डर है जिसके अंदर आप आराम से ये जो गोबो है इसको आप फिट कर सकते हैं और अपनी लाइट के आगे लगा सकते हैं ऑल्सो इट कम्स विद दिस अटैचमेंट जिसके आगे आप जेल भी लगा सकते हैं तो अभी ये विंडो वाला जो है गोबो हम ये लगा के देखते हैं और देखते हैं इसका क्या इफेक्ट बन के आता है सो राइट ना मैंने पीछे लाइट की इंटेंसिटी भी थोड़ी कम कर दी बिकॉज यहाँ थोड़ा ये बर्न हो रहा था है है सो ये विंडो इफेक्ट जो आप देख सकते हैं कि आप आराम से सेचीव कर सकते हैं अगर आपके आपके स्टूडियो में नेचुरल लाइट नहीं नहीं आ रही आपके पास नहीं है, तो तब भी आप ये जो है सेचीव कर सकते हैं। अभी मैंने विंडो जो है राइट तो हम जैसा भी चाहें इसको फोकस रखना है फोकस करना है आपके हाथ में जैसे भी आप इसको यूज करना चाहते हैं राइट नाउ यू कैन सी ओके और ऐसे ही जैसे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन हैं चार ये डिजाइन हैं और मार्केट में बहुत सारे गोबोज अवेलेबल है जो आप यूज कर सकते हैं दिस इज़ वन ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है मैंने अभी इसको इंडियन आउटफिट में भी यूज किया था एक राइट सो right. so, ये गोबोज हैं जो इसके साथ मिलते हैं आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बोला चार अटैचमेंट्स ये आपको मिलती हैं एंड एट द सेम टाइम ये है आपका जेल पेपर लगाने के लिए सो इट्स वेरी इजी मैं इसको ऑफ करता हूँ एक मिनट सो इट्स वेरी इजी ये आगे अगर आप लाइट को देख रहे हैं सो so ये ऊपर इन्होंने स्क्रू दे रखा है इसको आप खोलते हैं ये आराम से आप इसमें जेल पेपर वगैरह जो लगा के आप इसको सामने ये लगा के आराम से देन यू कैन लॉकेट बिल्ड क्वालिटी लाइट की बहुत ही अच्छी है और जो ग्लास है बहुत बढ़िया अगर मैं इस लाइट के प्रोज़ के बारे में बात करूं कौन तो मुझे अभी तक कुछ वैसे समझ नहीं आया बट अगर मैं इस लाइट के प्रोज के बारे में बात करूं सो मुझे लगता है कि बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाइट वेट लाइट है रुको मैं इफेक्ट बनाता हूँ पीछे पहले वो इफेक्ट जो आ रहा ना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा है और उसको थोड़ा सा फोकस में ले लेता ले ले है ये बात थोड़ी इंटेंसिटी भी बढ़ाते हैं या yeah. सो so, बहुत लाइट वेट है इजी टू कैरी कहीं भी शूट वूट पे आप लेके जाते हैं एक छोटे से बैग में आपका लाइट और ये अटैचमेंट दोनों आ जाता है एज अ सेट ग्लास का जो बिल्ट क्वालिटी है दैट्स आल्सो वेरी गुड और बहुत सारे uh, uh, दूसरे ब्रांड्स के मैंने प्रोजेक्शन लाइट यूज़ भी करे इसके साथ जो ये ब्लेड्स जो हैं बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है ये दे रखा है चार बहुत ही इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है या आपको पकड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या शेप वेप बनाने में कोई दिक्कत हो रही है सो दिस इज़ वन गुड थिंग विच आई लाइक एंड वन ऑफ़ द बेस्ट थिंग्स जो सबसे बढ़िया मेरे को लगा कि लाइट ना यार ये गर्म नहीं होती मतलब एक दो अटैचमेंट्स हैं मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता मैंने पहले यूज़ किया था तो मैं शूट के बीच में थोड़ा सा ना मेरा हाथ सिक गया था करके थोड़ी सी आवाज़ आई थी क्योंकि मैं पहली बार यूज़ कर रहा था सो दिस इज वेरी फाइन क्वालिटी मटेरियल जो लाइट का यूज हुआ हुआ है गर्म नहीं होता है हीट अप नहीं होता है आप आराम से इसको कंटिन्यूसली शूट करते हैं सो विच आई थिंक इज अमेजिंग लाइट की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो जो नैन लाइट फोर्जा लाइट है ये आपको मिलेगी ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन नाइन्टी फाइव की और इसका जो प्रोजेक्शन माउंट है ये नाइनटीन डिग्री आपको मिलेगा ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स नाइनटी फाइव का सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया और यही वो लाइट है जो मेरे बहुत सारे शूट्स में आप रेगुलरली देख रहे हैं आई होप ये uh, आपको अच्छा लगा वीडियो देख के नीचे लाइक कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा एंड इसके लिंक जो है लाइट के जहाँ से आप खरीद सकते हैं वो भी मैं नीचे मैंशन कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ यार डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो बहुत बार प्रोडक्ट के मैं वीडियोज बनाता हूँ लोग फिर भी कॉमेंट करते हैं सर वे टू बाय हाउ टू बाय तो थोड़ा सा वो शो मोर करके ना नीचे डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लिया करो एंड अपनी इंस्टा फैमिली हो गई है टू लिंक इज़ राइट हेर ज्वाइन कर लेना यार फटाफट मेरे को वहाँ पे एंड आई एल बी बैक सुन विद द नेक्स्ट वन थैंक यू बाय